हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तुषार सर हियर। आज मैं आपके सामने शेक्सपियर के कुछ बहुत ही पॉपुलर कोट्स लेकर के आया हूँ। दैट मीन्स शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनकी कुछ बहुत ही पॉपुलर लाइंस या डायलॉग्स, तो आज हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूलियस सीजर से लिए हुए इस डायलॉग की, इस लाइन की, जिसमें जूलियस सीजर अपनी वाइफ कैल्पर्निया को समझा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अप्रहेंसिव है, यानी कि थोड़ा डरी हुई है सीजर को लेकर के। तो उसे वो किस तरह से यहाँ पर समझा रहे हैं, ये बात यहाँ पर इस फर्स्ट कोट में दी हुई है। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। मतलब जो कायर लोग हैं वो अपनी मौत से पहले कई बार मर जाते हैं, जबकि वैलियंट यानी कि जो बहादुर है वो केवल एक बार ही मरता है। तो वो अपनी वाइफ को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बार बार मरना नहीं चाहता, बेटर कि जो बहादुर है उसकी खूबी होती है कि वो केवल एक बार ही मरता है, तो मैं वैसा ही होना चाहता हूँ। दूसरा जो कोट है ये भी जूलियस सीजर से लिया है, मेन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आर स्टार्स बट इन आर सेल्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। तो इसमें कैशियस जो है वो ब्रूटस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, जो इन्होंने प्लान बनाया था जूलियस सीजर को मारने का, तो वो उसे समझा रहा है कि हम अपने भाग्य के मालिक खुद होते हैं। ब्रूटस, गलती ये होती है या कमी ये होती है, इज नॉट इन आवर स्टार्स, मतलब कमी हमारे भाग्य की नहीं होती, गलती हमारे भाग्य की नहीं होती, बल्कि इन आवर सेल्स यानी हमारी खुद की होती है। दैट वी आर अंडरलिंग्स यानी कि हम सबॉर्डिनेट हो जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम गुलाम हो जाते हैं, तो ये हमारी गलती होती है। और अब इसके बाद रोमियो एंड जूलियट से जो हमने कोट लिया है, व्हाट्स इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज, बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट। तो यहाँ एक्चुअल में जूलियट ये बात कह रही है रोमियो से कि नाम में क्या रखा है, कि क्या अगर गुलाब को हम किसी और नाम से पुकारें तो क्या उसकी सुगंध चेंज हो जाएगी, तब भी वो ऐसे ही खुशबू देगा, तब भी उसकी सुगंध ऐसे ही रहेगी। तो बात इस संदर्भ में हो रही है कि दोनों अलग अलग खानदान या दोनों अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जो कि एक तरह से वॉरिंग फैमिलीज हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। तो वो यही समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई नाम में क्या रखा है कि मैं इस खानदान या इस फैमिली को बिलोंग करती हूँ और तुम किसी दूसरी फैमिली को बिलोंग करते हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, दैट डजंट मैटर एट ऑल, उससे किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात वो समझाना चाह रही है। जो अगला कोट है वो एज यू लाइक इट से लिया हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है क्या, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, यानी पूरा संसार जो है वो एक रंगमंच की तरह है और जो सारे मैन एंड वुमेन इस संसार में हैं वो केवल नाटक के कलाकारों की तरह है। तो जिस तरह से लोग यानी कि जो नाटक के कलाकार होते हैं वो स्टेज पर आकर अपनी भूमिका अदा करते हैं और आते हैं चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो हम मैन एंड वुमेन हैं हम भी इसी तरह से हैं, जो इस धरती पर अपनी भूमिका अदा करने के लिए आए हैं और भूमिका अदा करने के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो किंग हेनरी फोर्थ से लिया हुआ है, जो है अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, यानी कि अगर लिटरली मैं कहूँ तो जिसके सर पर ताज होता है वो हमेशा बेचैन रहता है। कुल मिलाकर के बात ये है कि जिसके सर पर जिम्मेदारी होती है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है,
वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। तो ऐसा यहाँ पर कहने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया हुआ है, जो बहुत ही कॉमन है और जो हम सब जानते हैं, दैट इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, यानी कि अपीयरेंस डिसेप्टिव हो सकता है। जो भले ही बाहर से हमें अच्छा लगे लेकिन अंदर से वो उतना अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। तो ये बात तब की है जब बेसानियो पोर्शिया के पास गया हुआ है और उसके पिताजी के निर्देशानुसार जो संदूक रखे हैं उन संदूक में से सही संदूक का उसे चुनाव करना है और उनमें से एक संदूक जो है वो गोल्ड का है। तो उसी संदर्भ में बात है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि जो भी चमकती हुई चीज होती है जो बाहर से सुंदर होती है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी सुंदर हो या खूबसूरत हो। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, ये लिया है हैमलेट से, और जो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है, क्योंकि एक्चुअल में गर्ट्रूड जो हैमलेट की मदर है वो उसी के चाचा से शादी कर लेती है। तो यहाँ पर उसी संदर्भ में बात हो रही है कि फ्रेल्टी, जिसका मतलब है वीकनेस, इन्फर्मिटी, कमजोरी, तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि महिला कमज़ोर होती है, कि किस तरह से वो अपने ही यानी कि हैमलेट के चाचा से प्यार करने लगती है और इसमें फिर अपने हस्बैंड की, अपने पति की मौत में वो सहायक भी होती है, हेल्प। तो इसलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है कि फ्रेल्टी यानी कमजोरी, तुम्हारा नाम वुमेन है यानी कि महिलाएं कमजोर होती हैं, फ्रेल होती हैं, ऐसा कहने की कोशिश हो रही है। अगला ट्वेल्थ नाइट से लिया हुआ है, जो है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, यानी कि कुछ लोग तो पैदाइश ही महान होते हैं, जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग मेहनत करके महानता हासिल करते हैं और कुछ लोग को महानता मिल जाती है, यानी कि जैसे महानता खुद उनके ऊपर या उनके पास आ जाती है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो अब कई हम महान संतों की या बड़े बड़े महान लोगों की बात करें तो जन्मजात महानता उनमें है, कुछ अपनी मेहनत से खूब कड़ा परिश्रम करके मेहनत हासिल करते हैं, महानता हासिल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि महानता खुद उनके पास आ जाती है, यानी कि फोर्सफुली जैसे उन्हें महान बनाने की कोशिश हो रही हो। ऐसा हम कई लोग अपने आसपास के जीवन में, अपने आसपास की लाइफ में हम ऐसा देख सकते हैं। इसी तरह से हेनरी फोर्थ से अगला यहाँ पर कोट है, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रीशन। तो वेलर यानी कि बहादुरी और डिस्क्रीशन यानी समझदारी। तो बहादुरी का जो बेटर पार्ट है वो है डिस्क्रीशन, यानी कि एक समझदार व्यक्ति ही वास्तव में बहादुर भी हो सकता है, या बहादुर व्यक्ति का समझदार होना बहुत जरूरी है। किंग लियर से अगला कोट है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, यानी अगर आप कुछ नहीं करोगे तो उसका परिणाम भी कुछ नहीं यानी जीरो ही होगा। कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना होता है, यानी कि कुछ मेहनत करनी होती है, और जब मेहनत करते हैं, कुछ करते हैं, तभी उसका परिणाम कुछ निकल करके आता है। तो अगर हम नथिंग यानी कुछ नहीं करेंगे तो जीरो का रिजल्ट तो जीरो ही होगा। इसी तरह से अगला फिर हैमलेट से है, There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. मतलब अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज नहीं होती,
हमारी सोच, थिंकिंग, हमारी सोच उसे ऐसा बनाती है। यानी कि अगर सोच अच्छी है तो बात अच्छी हो जाती है, और सोच बुरी है तो बात बुरी हो जाती है। तो हमारी सोच ही है जो चीज़ों को अच्छा और बुरा करती है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छा करते हैं और अच्छा पाते हैं, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो हम बुरा ही पाते हैं, बुरा ही देखते हैं और बुरा ही करते हैं। अगला कोट फिर जूलियस सीजर से है, द एविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफ्ट एंटर्ड विद देयर बोन्स। तो जूलियस सीजर में ये बात जो है वो एंटनी जूलियस सीजर के बारे में कह रहा है, और बहुत ही अच्छा कोट है कि इंसान की बुराई तो उनके बाद रह जाती है, और उनकी जो अच्छाई है वो ऑफन इंटर, इंटर का मतलब बरी कर देना, दफना देना, तो उनकी जो बुराई है वो उनकी हड्डियों के साथ दफना दी जाती है। मतलब ये कहने की कोशिश हो रही है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी बुराइयां तो लोग याद करते हैं कि कैसा बुरा इंसान था, या जो भी बुराई उसने की है उन बुराइयों को लोग याद रखते हैं, लेकिन उसने जो अच्छाई की लोग उसे याद नहीं रखते, जो अच्छे काम किए लोग उसे याद नहीं रखते, उसकी अच्छाइयां उसकी हड्डियों के साथ में दफना दी जाती हैं। ऐसा कह रहा है क्योंकि लोग जो हैं वो उनकी बातों से, यानी ब्रूटस कैसियस वगैरह की बातों से भ्रमित हो रहे थे, तो लोगों को फेवर में करने के लिए एंटनी ऐसा उनसे कह रहा है लोगों को संबोधित करते हुए। अगला कोट फिर हैमलेट से है, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। तो कहा जा रहा है कि न तो हमें उधार लेना चाहिए न उधार देना चाहिए, क्योंकि उधारी में उधार भी जाता है यानी पैसा भी जाता है, और फ्रेंड यानी दोस्त भी चला जाता है। तो उधारी बुरी चीज़ है, ना तो लेना चाहिए और ना देना चाहिए, दोनों में ही नुकसान है, क्योंकि इससे जो पैसा है वो तो जाता ही है और जो दोस्ती है वो भी चली जाती है। एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, और साथ में ये जो बोरोइंग है यानी कि जो हम उधार लेते हैं, तो ये बोरोइंग हमारी व्यवस्था, हमारे प्रबंधन को भी कमज़ोर करता है और ख़राब करता है। इसलिए न तो उधार लो और न उधार दो। मिजरी अक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज। तो टेम्पेस्ट से लिया हुआ है ये कोट, और बड़ा अच्छा कोट है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो जो विचित्र लोग हैं या जो अजनबी लोग हैं, ऐसा कहना सही होगा, अजनबी लोग भी हमारे साथी हो जाते हैं। या अगर मैं और इसको सही तरीके से कहूं जो कहने की कोशिश हो रही है, जिनमें कोई समानता नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे लोग भी साथी बन जाते हैं। यूजुअली फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ होती है जिनमें कुछ समानताएं हों, वैचारिक समानताएं हों, लेकिन जब मुसीबत आती है तो मुसीबत में जिनमें कोई समानता नहीं होती, ऐसे लोग भी साथी बन जाते हैं, फेलोज बन जाते हैं, ऐसा बताने की कोशिश हो रही है। अगला कोट किंग लियर से है, आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। तो ये खुद जो किंग लियर हैं वो कह रहे हैं कि जितने मैंने पाप किए हैं उससे ज़्यादा पाप मेरे साथ हो रहे हैं। मतलब मैंने जो जितना बुरा नहीं किया उससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ हो रहा है, यानी किस्मत मेरे साथ
काफी खेल खेल रही है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये हैमलेट से लिया हुआ है। ये बताने की कोशिश हो रही है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी बात संक्षिप्त में करते हैं, यानी कि जो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें हैं या जो समझदार लोग या बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी बातों में हमेशा संक्षिप्तता, ब्रेविटी, कंसाइसनेस, पिथिनेस होती है। इसी तरह से ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल से लिया हुआ है ये कोट, जो कहता है, लव ऑल, ट्रस्ट अ फ्यू, डू रॉन्ग टू नन, यानी प्यार सभी से करो लेकिन विश्वास हमें कम लोगों पर ही करना चाहिए, और बुरा हमें किसी का भी नहीं करना चाहिए। तो प्यार तो सभी इंसानों से, सभी लोगों से, सब तरह के लोगों से हमें प्यार करना चाहिए, लेकिन विश्वास हमें सभी पर नहीं करना चाहिए, और गलत या बुरा तो हमें किसी का भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगला कोट एज यू लाइक इट से लिया हुआ है, जो ये कहता है, द फूल डोंट थिंक ही इज वाइज, बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। यानी एक मूर्ख व्यक्ति अपने आप को हमेशा समझदार मानता है, समझता है, जबकि एक समझदार व्यक्ति हमेशा अपने आप को मूर्ख ही मानता है। तो ये लक्षण होते हैं, जो मूर्ख है वो हमेशा अपने आप को समझदार कहेगा, समझदार जताने की कोशिश करेगा, और जो वाइज व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि वो समझदार है, जबकि वो तो मूर्ख बन के रहेगा ना। तो ये विशेषता होती है, लक्षण होते हैं मूर्खों और वाइज समझदार लोगों के। अगला कोट मैकबेथ से है, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, यानी जो अब हो चुका है उसे हम अब अनडन नहीं कर सकते, यानी कि जो किया जा चुका है उसे अब हम वापस नहीं ले सकते हैं, उसे हम रेक्टिफाई या करेक्ट नहीं कर सकते। अब जो अच्छा है बुरा जो कुछ भी हुआ है वो हो चुका है, एक्चुअल में बुरा ही हुआ है क्योंकि बात मैकबेथ की हो रही है, तो उसे अब सही नहीं किया जा सकता। अगला कोट रोमियो एंड जूलियट से है और कहा है, गुड नाइट, गुड नाइट, पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, देयर आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी मोरो। मतलब बात यहाँ पर बिछड़ने को लेकर के हो रही है कि बिछड़ने में भी एक सुख है, एक स्वीटनेस है, एक तरह से ये स्वीट सोरो की तरह है, दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी मोरो। तो ये बिछड़ना भी एक तरह से स्वीट होता है, सुखदाई होता है, और ये फिर से मिलने का एक एंटिसिपेशन या एक आकांक्षा या एक एस्पिरेशन को क्रिएट करता है, कि मतलब ये कहा जा रहा है कि अपने आप में कितना एक स्वीट सोरो की तरह है कि मैं कल होने तक या अगली सुबह होने तक गुड नाइट कहना चाहूंगी, यानी कि हम इस याद में ही गुड नाइट कहते हुए ही सुबह हो जाए कि हम कल सुबह फिर मिलेंगे, तो ये एक जो है एक्सपेक्टेशन ये अपने आप में लिए हुए होता है। तो यानी बिछड़ना भी अपने आप में सुखदाई है, तो कम से कम एक उम्मीद होती है दोबारा मिलने की, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और अगला कोट हैमलेट से है, दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट, भले ही ये पागलपन हो लेकिन इस पागलपन में भी एक
मेथड तो है, एक तरीका तो है, एक पैटर्न तो है। और अगला कोट 12th नाइट से है, लव सोट इज गुड बट गिवन अनसोट इज बेटर। तो बड़ा अच्छा कोट है कि मांगने से अगर प्यार मिले तो अच्छा है, लेकिन अगर बिन मांगे प्यार मिले तो वो उससे भी अच्छा है, वो बेहतर होता है। अगला कोट है, मच अडू अबाउट नथिंग से, और कहा है, एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ बट ही दैट हैज इट। तो हर कोई अपने दुख को कंट्रोल कर सकता है, हर कोई अपने दुख पर नियंत्रण कर सकता है, सिवाय उसके जो दुखी है या जिसके मन में दुख है। तो बड़ा अच्छा कोट है ये, बड़ा शानदार कोट है, और ये समझाने की कोशिश हो रही है कि हजारों लोग जो हैं, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उस दुख के लिए लोग मशवरा देते हैं, समझाते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन वास्तव में जो दुखी होता है वही जानता है उस दुख के बारे में। तो हर कोई दुख को अपने कंट्रोल कर सकता है, दुख को मास्टर कर सकता है, सिवाय उसके जो व्यक्ति वास्तव में दुखी, उसके लिए उस दुख को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगला कोट मेजर फॉर मेजर से लिया हुआ है, और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्चू फॉल। यानी कुछ लोग तो अपने पापों या अपने गलत कर्मों से उठ जाते हैं, जीवन में सफलता पा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग अपने गुणों की वजह से गिर जाते हैं, यानी कि उनका पतन हो जाता है। तो होता है कुछ लोगों के साथ कि वो अपने पापों या दुष्कर्मों या गलत कामों की वजह से वो ऊपर उठ जाते हैं, उनके साथ अच्छा होता है, उनका बेटरमेंट होता है, और कुछ लोगों के साथ में ये होता है कि वो अपने गुणों से ही उनका पतन हो जाता है, वो गिर जाते हैं। अगला कोट भी मेजर फॉर मेजर से ही लिया हुआ है, और लिखा है, द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। यानी कि जो व्यक्ति मुसीबत में, दुख में, दयनीय अवस्था में होता है, तो ऐसे एक व्यक्ति के लिए आशा से बढ़कर कोई दवा नहीं है, आशा ही उसके लिए दवा का काम करती है, और बिना आशा के वो उस मुसीबत से या उस मुश्किल परिस्थिति से वो बाहर नहीं निकल सकता है, तो उसके लिए और कोई चीज़ काम नहीं कर सकती है। तो ये थे शेक्सपियर के बहुत ही पॉपुलर कोट्स, जो इन्हीं के लिखे हुए प्लेज में से लिए हुए हैं, और जो बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं। तो यहाँ मैंने उन्हीं में से कुछ कोट से आपको अवगत कराया, वो मैं आपके लिए लेकर के आया। तो ऐसे ही कुछ और बहुत सारी चीज़ें, कुछ और अच्छी चीज़ें, कुछ और अच्छी पोएम्स मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो तब तक देखते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।